हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप देख रहे हैं कृष्णा एंटरटेनमेंट चैनल। सो गाइस, आज के इस क्लास में हम एक बाउल क्रिएट करना सीखेंगे, तो समय को बर्बाद न करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले एक स्फीयर क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से स्फीयर क्रिएट कर लेंगे और फिर एट्रीब्यूट एडिटर में जाएंगे, वहाँ से इसके जो सेगमेंट्स हैं वो सेगमेंट्स आप यहाँ से डिलीट कर देंगे, सॉरी कम कर देंगे। सब डिवीजन एक्सिस एंड सब डिवीजन हाइट दोनों आपको जितना चाहिए आप यहाँ से कम कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट बाउल है, ऊपर के पोर्शन को तो डिलीट करना ही पड़ेगा, ये वाले पोर्शन को। तो प्रोसेस आप सबको पता है, शिफ्ट राइट क्लिक होल्ड करके रखेंगे एंड नाउ फेस सेलेक्ट करेंगे। फेस सेलेक्ट करने के बाद जितना पोर्शन आपको डिलीट करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से मुझे इतना सेलेक्ट करना है, इतना डिलीट करना है, तो मैंने उतना डिलीट कर लिया और सेलेक्ट कर लिया है। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं ऊपर का पोर्शन डिलीट हो चुका है, डन। बाहर आ जाएंगे, ज़रा ऑब्जेक्ट मोड से बाहर आते हैं। बाहर आते हैं मतलब बैक हो जाते हैं। आप अगर किसी मोड में स्विच हैं, एज मोड में, फेस मोड में, वर्टिस मोड में अगर स्विच हैं, तो ऑब्जेक्ट मोड में आने से क्या होता है, आप उसे बैक आ सकते हैं उससे। ओके, तो अब ज़रूरी क्या है, उसे ट्विस्ट करना। तो ट्विस्ट कहाँ मिलेगा आपको, डिफॉर्मर में। डिफॉर्मर मैंने क्लिक किया तो ये ऑप्शन मिल रहा है, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में आप मिलेगा आपको यहाँ पे ट्विस्ट, दिस इज अ ट्विस्ट। अब ट्विस्ट अगर करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ट्विस्ट कर सकते हैं। तो अभी तक तो हमारा सिर्फ आधा बाउल है, अब मैंने उस पर अगर ट्विस्ट मॉडिफायर लगा दिया तो उसे आप ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से आप ट्विस्ट कर सकते हैं। ओके, पैरामीटर ओपन करेंगे ट्विस्ट का, यहाँ पर देख रहे हैं ट्विस्ट के चार ऑप्शंस हैं, यूज़ कर सकते हैं आप। तो हमें स्टार्ट एंगल करना है, ऊपर के साइड से हम रोटेट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि नीचे वाला रोटेट हो रहा है, नीचे वाला जो वॉच बना हुआ है वो नीचे वाला रोटेट हो रहा है, फाइन। आपको जो ऊपर वाला रोटेट करना है तो ऊपर वाला आप रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। ओके, बेस्ट, मैं इतना कर देता हूँ। नीचे वाला रोटेट हो रहा है, यस। एंड ऊपर का देखना है तो ऊपर को भी ज़रा देख सकते हैं कि एंड एंगल करेंगे तो ऊपर का रोटेट हो रहा है। तो ट्विस्ट मॉडिफायर है, आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट एंगल या एंड एंगल। हमें सिर्फ बाउल क्रिएट करना है, बाकी कुछ नहीं। मैं इतना कर देता हूँ, डन, फाइन। ये सब भी चेक कर सकते हैं आप साइड्स में, हाई बाउंड लो बाउंड क्या चीज़ है। हाई बाउंड लो बाउंड मतलब क्या होता है, अगर हाई बाउंड लो बाउंड अगर आप ज़ीरो रखते हैं ना, तो देखिए ऊपर का नहीं मूव हो रहा है, रोटेट ऊपर का नहीं हो रहा, बस नीचे का रोटेट हो रहा है। वो देखिए हाफ पोर्शन से जहाँ पे गिज्मो दिख रहा है वहाँ से, सेम एज ऊपर के पोर्शन को भी अगर आप रोटेट करना चाहते हैं और नीचे को स्टेबल रखना चाहते हैं तो भी आप सेटिंग कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, हाँ ये देख रहे हैं आप इस तरह से बिहेव कर रहा है, ऊपर के पोर्शन सिर्फ रोटेट हो रहे हैं। वाई, बिकॉज ऑफ हमने लो बाउंड ज़ीरो रखा है, लो बाउंड ज़ीरो है इसलिए वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करेंगे, हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, नहीं तो क्या रहेगा, वो लिंक रहता है ऑब्जेक्ट के साथ। अगर सिर्फ और सिर्फ डिलीट करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी आपका डिलीट हो जाएगा, तो इस तरह से हिस्ट्री डिलीट कर देंगे दोनों की।
और वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। डन, आप देख रहे हैं कि बेसिक शेप हमारा बन चुका है चारों तरफ से। अब जरूरत क्या है, अगर आप थ्री प्रेस करते हैं तो ये पूरा का पूरा स्मूथ हो जाएगा। जरूरत है, अब जरूरत है कि इसके एजेस को पकड़ना है, चारों तरफ से एजेस को आप पकड़ लेंगे। और मैं किस तरह से रोटेट कर रहा हूँ और किस तरह से मैं मल्टीपल सिलेक्शन कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसमें होता है। अगर शिफ्ट प्रेस करके आप किसी एज पे डबल क्लिक करेंगे तो वो पूरा का पूरा लूप में सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेंगे चारों तरफ से घुमा के एक बार। आफ्टर दैट बेवल ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। शिफ्ट राइट क्लिक पे भी बेवल मिलेगा आपको और ऊपर के ऑप्शन में भी आपको बेवल मिल जाएगा। इस तरह से सेगमेंट मैं दो रख सकता हूँ, आप सेगमेंट बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ दो चाहिए, मैं दो रखूँगा क्योंकि एक तो एज है हमारे पास, उसे फॉलो करेंगे दो एज। इस तरह से तो मिला के कुल तीन एज हो गए। यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन वगैरह दिया हुआ है, फ्रिक्शन अगर आपको चेंज करना है तो ठीक है, आप फ्रिक्शन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन मुझे 0.2 ही चाहिए इस समय। सेगमेंट दो रखेंगे, बाकी की सेटिंग आप छेड़ेंगे नहीं, डब्लू प्रेस कर देंगे। आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन के आ चुका है, मच बेटर। ठीक है, अब इसमें कमी क्या है, इसमें थिकनेस की ज़रूरत है। डन, थिकनेस कैसे लाएंगे, एक्सट्रूड कर देंगे इसे, शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रूड सी। एक्सट्रूड का पैनल आपको दिख रहा है, वहाँ पे थिकनेस लिखा हुआ है। अब थिकनेस आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, 0.2 इज़ अ बेस्ट, या 0.2 बेस्ट है। अच्छा, ऊपर के उसमें सेगमेंट अगर ऐड करने हैं तो सेगमेंट डाल देंगे हार्डनेस के लिए। ठीक है, की फेस टुगेदर ऑन ही रखेंगे, ऑफ नहीं रखेंगे। डन, हम देख रहे हैं कि बाउल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब अगर थ्री प्रेस करते हैं, एक बहुत ही बढ़िया सा डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। सी तो ट्विस्ट मॉडिफायर से आप इस तरह का कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें मोल्डिंग्स हों। प्रोडक्ट मॉडलिंग में आप बॉटल वगैरह जब यूज़ करते हैं बनाने के लिए, तो उसमें आप ट्विस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब हमने मॉडल तो क्रिएट कर दिया, अब उसे एक फाइनल आउटपुट देते हैं, एक मटेरियल देते हैं। तो चलिए मटेरियल दे देते हैं इसे, असाइन न्यू मटेरियल एंड अर्नोल्ड AI स्टैंडर्ड सरफेस, क्लिक, चेंज हो गया। प्रीसेट में जाएंगे और यहाँ पे तमाम प्रीसेट हैं, मैं कॉपर चूज़ करूँगा, वेर इज़ अ कॉपर, गोल्ड, काफ़ी सारे हैं कॉपर, दिस इज़ अ कॉपर, कॉपर के ऊपर रिप्लेस। डन, अब ये आप देख रहे हैं कॉपर रिप्लेस हो चुका है, लेकिन ये क्या ठीक दिख रहा है, नहीं। ज़रूरी क्या है, लाइट डालना। चलिए लाइट डाल देते हैं अर्नोल्ड लाइट। अच्छा, अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट को रेंडर करना चाहते हैं तो लाइट में आप हमेशा स्काई डोम का यूज़ करिए, आपको तमाम लाइट दिखेंगे यहाँ पे, लेकिन स्काई डोम इज़ द बेस्ट ऑप्शन, स्काई डोम। वाई, बिकॉज ऑफ ये है जो ना, एक HDRI फाइल होती है उसके ऊपर ये काम करता है, देखने में तो इस तरह से ग्लोब जैसा रहता है। लेकिन आप इस लाइट का यूज़ करने के लिए पहले गूगल से HDRI फाइल डाउनलोड करेंगे, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है। सो वो फाइल आप कलर के चेकर बॉक्स पे जाएंगे, वहाँ पे पेस्ट करना होता है फाइल, एंड नाउ अगेन फोल्डर। और ये देख रहे हैं मैंने EXR इसका एक्सटेंशन है, वो फाइल मैंने डाउनलोड की है। और ये डाउनलोड कहाँ से करेंगे,
वो आप, मैं आपको बता देता हूँ। गूगल करेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे SDRI, ठीक है, हेवन, ये ऑप्शन मिल जाएगा पहला। polyheaven.com, polyheaven.com का जो वेबसाइट है इस तरह से खुलेगा एंड एसेट में आपको SDRI दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में SDRI के, यहाँ लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इंडोर, आउटडोर, स्काइस, स्टूडियो, लाइट सेटअप, ठीक है। तो आप यहाँ से जो चाहिए आप चूज़ कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से, लाइक दिस। यहाँ पे तमाम है, हाई रिजोल्यूशन भी ले सकते हैं, लो रिजोल्यूशन भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने भी इसी, इन्हीं में से किसी एक का यूज़ किया हुआ है। अब ये देख रहे हैं जैसे ये है 4K लगा हुआ है, आप 2K कर सकते हैं। 2K करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फाइल देखने के लिए आपको इस तरह से आपको दिखाई देगी EXR, ओपन, डन। तो देख रहे हैं मेरे चारों तरफ, जो लाइट के चारों तरफ एक सीन क्रिएट हो चुका है, एनवायरनमेंट का सीन क्रिएट हो चुका है। अच्छा, उसे वैसे ही रख देते हैं, आप उसे कुछ करना नहीं रहता। हाँ, इंटेंसिटी वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, डायरेक्ट रेंडर करेंगे तो आपको इस तरह से शो करेगा। ठीक है, ज़रा प्लेसमेंट कर लेते हैं साइड में रख के। तो आप देख रहे हैं हमारा प्रोडक्ट इस तरह से दिखाई दे रहा है। मास मीटर, एक ब्रास लग रहा है ये मटेरियल कॉपर का। अब ये इस नीचे वाले प्लेन को भी आप ब्लेंड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वाइट जो दिख रहा है ये सेलेक्ट करिए, इसे भी एक मटेरियल दीजिए, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, असाइन न्यू मटेरियल करेंगे जैसे ही अर्नोल्ड, एंड इसे देंगे AI शेडो मैट, डन। अब देख रहे हैं वो गायब हो चुका है, मच बेटर। अभी बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आया है इसका। सैम्पलिंग बढ़ा सकते हैं, 3 कर सकते हैं, वाई, बिकॉज ऑफ देयर इज लॉट्स ऑफ नॉइस, एंड इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। नॉइस को रिमूव करने के लिए सैंपल बढ़ाया जाता है। डन, सो गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस तरह से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए मुझे। आपको जो डाउट्स हो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करके दूंगा। ये जो हमारा इमेज है, इमेज का साइज़ यहाँ पे जो देख रहे हैं ना 965x40, बहुत कम है, तो इसे ज़रा HD में करते हैं। रेंडर सेटिंग में चलेंगे और यहाँ पे प्रीसेट है, यहाँ पे हम कर देंगे 1080 HD, ठीक है। आफ्टर दैट अब रेंडर निकालेंगे, यहाँ पे साइज़ बढ़ गई, फाइनल रेंडर यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया, अब फाइनल रेंडर में थोड़ा समय लगेगा लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है। देख रहे हैं ये रेंडर हो रहा है और इसकी नॉइज़ क्लियर होती जा रही है, इसमें ज़रा भी नॉइज़ आपको नहीं मिलेगी। सो गाइस, देख रहे हैं इस तरह से मेरा ये बाउल रेंडर हो चुका है। अब तो आप फाइल में जाके इसे सेव कर सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टेक्निक के साथ। सो गाइस, तब तक के लिए गुड बाय। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो किस तरह से लगी, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।